ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर देयर विद अनदर टॉपिक. और आज के टॉपिक में गैसेस की फिर बात करेंगे. और टॉपिक है 3.6.1 ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. उसने रेट ऑफ डिफ्यूजन्स के बारे में जो है फॉर्मूलेशन की है, इक्वेशन दी है. तो उससे रिलेटेड आज हम एग्जांपल करेंगे. एग्जांपल नंबर 7 है, विच इज़ ऑन पेज नंबर 60, राइट. सो वी आर वर्किंग विद पेज नंबर 60 ओवर हियर. स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में जो है टॉक दैट हाउ दिस एग्जाम्पल इज इंटरप्रेटिंग. दे आर सेइंग कि हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं, ठीक है. एक सिलेंडर ए है, एक सिलेंडर बी है. लेट्स से दैट इसमें गैस हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और यहाँ पे सिलेंडर बी है, इसमें एक अननोन गैस है. वी जस्ट गोइंग टू टेल दैट गैस वो कौन सी गैस है और वो भी फ्यूज कर रही है. लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट जो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 4 times फास्टर है देन दैट गैस. इट लिटरली मीन्स दैट कि अगर ये फ्यूजन थोड़ा फास्टर कर रही है और ये फ्यूजन थोड़ा स्लोअर कर रही है, इट मीन्स के डेफिनेटली थोड़ी वजनी गैस होगी. वैसे हाइड्रोजन का मोलर मास निकालें, ठीक है. तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अब इतनी डिफिकल्ट चीज रहेगी आप स्टूडेंट्स के लिए. विच इज 2.016 भी लिख सकते हैं, बट 2 gram इज फाइन, 2 gram पर मोल, राइट. सो दैट्स द मोलर मास. और वी नो द डिफ्यूजन जो है वो उसकी तरह 4 times फास्टर है. सो लेट्स जस्ट गिव इट के रेट ऑफ डिफ्यूजन आप कह लें फॉर अननोन गैस, इसको आप जो है वो एक्स कह लें, राइट. और यू डोंट नो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दैट. सो एंड रेट ऑफ हाइड्रोजन, rate of fusion is something like 4 times faster, right. और इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसको, आप 1 suppose कर लें, ठीक है. क्योंकि अगर ये 4 times faster है तो इसका rate जो है वो is equal to 1 ही होगा. और as I told you that कि molar mass लिख लें इसका, hydrogen का molar mass of hydrogen which is 2 gram per mole, right. सो उसके बाद अगर आप जो है क्या आप मालूम करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, ही इज रिक्वायरिंग कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन गैस. यानी इसका जो मोलर मास आपको पता है, यू नीड टू नो द मोलर मास ऑफ दिस गैस, राइट. मोलर मास ऑफ अननोन गैस आपने मालूम करना है, ठीक है. सो यू वॉन्ट टू फाइंड इट, तो ये आपने मालूम करना है. ओके, सो वट वी जस्ट नीड टू डू इज दैट वी नो द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. उसमें वी नो द फॉर्मूला इक्वेशन फॉर दैट, और उसमें वो मैं आपको लिख देता हूँ. सो आर वन ओवर आर टू, इसमें आप ऐसा कर लें रेट फॉर अननोन कर लें इसको आप, और इसमें आप रेट कर लें रेट फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू द डेंसिटीज, राइट. और आप यहाँ पे डेंसिटीज को आप मोलेकुलर मैसेज में भी शो कर सकते हैं. तो यू कैन से दैट कि आप जो है इसमें ऊपर हाइड्रोजन कर लें आप और नीचे अननोन कर लें. तो यहाँ पे आप जो है डेंसिटी कर लें उस गैस की, या मोलेकुलर मास कह लें उस गैस का जो आपको पता नहीं है, ओवर द मोलेकुलर मास ऑफ द गैस यू नो हाइड्रोजन, ठीक है. अब इसमें वैल्यूज प्लेस करनी है और आप मास मालूम कर सकेंगे. तो आप ये वैल्यू को उठा के बेशक इधर ले जाएं. सो गाइज, ये हमारे पास फार्मूला है विच इज़ नोन एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. और इसमें हम जो हमारी रिस्पेक्टेड वैल्यूज़ हैं वो हम प्लेस करते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास जो आर एच की वैल्यू है विच इज़ 4, और जो रेट ऑफ अननोन गैस है विच इज़ 1, राइट. आर एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड आर एच 2, यानी रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस जो डिफ्यूज कर रही है विच इज़ 4. और जो एम एक्स है विच इज़ द, यू कैन से दैट विच इज़ द मोलेकुलर मास ऑफ अननोन गैस, वो हमें नहीं पता है, और मोलेकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है. स्क्वेयरिंग, अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा कि दोनों साइड्स को हम कट कर सकेंगे. यानी 4/1 इज इक्वल्स टू एम एक्स ओवर 2 अंडर रूट, तो स्क्वेयर कर लेंगे दोनों तरफ, तो दैट विल बी कटेड. और यहाँ पर ये 16 हो जाएगा और इट विल बी समथिंग लाइक mx over 2 now, right. तो next step में क्या होगा, next step में you can say that कि अब इस 2 को जो है अगर हम cross multiply कर देंगे तो 16 से जाकर ये multiply हो जाएगा. so mx equals to 16 into
2, 16 into 2 जो है वो 32, तो 32 ग्राम पर मोल जो है वो आपका वेट निकलेगा, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है 32 ग्राम पर मोल जो है वो वेट ऑक्सीजन का होता है. सो यहाँ पे जो गैस डिफ्यूज कर रही है वो ऑक्सीजन गैस है अकॉर्डिंग टू दी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. सो स्टूडेंट्स, आई रियली विश आपको ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कैसे जो एक गैस है विच इज़ डिफ्यूजिंग फास्टर देन दैट ऑफ गैस जो कि ज़्यादा मोलेकुलर वेट के साथ है, इसकी डिफ्यूजन का रेट वन टाइम है एज कम्पेयर टू द गैस ऑफ हाइड्रोजन. सो दैट इज़ हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम.